हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स। आज यूनिट्स एंड डायमेंशन में टीचर डिस्कशन करने वाले हम। ओके, सो टीचर डिस्कशन वन, जिसपे हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम डिस्कशन टू और टीचर डिस्कशन टू भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इन सी जी एस एस आई यूनिट इज गिवन एज दिस मच, 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर। इसको आपको कन्वर्ट करना है सी जी एस यूनिट में, इसको कन्वर्ट करना है सी जी एस यूनिट में। लेट्स कन्वर्ट इट। ओके, तो जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन किलोग्राम स्क्वेयर। आपको आंसर्स देख के सारे सी जी एस यूनिट में दिए, तो किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो फटाफट आ जाएगा। ओके ओके, न्यूटन को लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मास इनटू एक्सेलरेशन से। ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू मीटर स्क्वेयर अपॉन केजी स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो एक केजी कट जाएगा, तो किलोग्राम नीचे आएगा, ऊपर मीटर क्यूब आएगा और सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर के जी इंटू 1/s². बट हम ऑप्शन देखो सेंटीमीटर क्यूब में दिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये आपका सिंपल लॉजिक रहेगा इसके लिए। 6.67 × 10⁻¹⁺ तो ऐसे ही रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का क्यूब 10⁶, 10⁶ / 10³ 1/s², ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो ये यूनिट हो जाएगा, तो 10⁶ में से 3 निकल जाएगा, 10³ बचेगा, 10³ और −11 −8 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁺ −8 हो जाएगा। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकेंड स्क्वेयर। सो ऐसा ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। यहाँ पर −2 है, मेक श्योर सेकेंड स्क्वेयर का −2 है, वो थोड़ा सा शायद टाइपिंग एरर है। ओके, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट्स मैच करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा बेस यूनिट है, कौन सा इम्प्रॉपर यूनिट है, कौन सा। तो बेसिक यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मास किलोग्राम बेसिक यूनिट है। तो ए के सामने आपका आ जाना चाहिए 5। डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, जो एमएलटी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, तो इसके सामने 1 आ जाएगा। इम्प्रॉपर यूनिट्स आपको दिख रहे हैं केजी वेट, केजी वेट ना प्रॉपर किलोग्राम है ना वेट है, तो किलोग्राम वेट इज इम्प्रॉपर यूनिट, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हॉर्स पावर, जैसे अपना पावर तो वॉट्स में आता है, लेकिन हॉर्स पावर गाड़ी के पावर्स को मेजर करने में प्रैक्टिकल यूनिट्स में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो हमने देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, तो यहाँ पर प्लेन एंगल का यूनिट दिया रेडियन। ओके, ऑप्शन नंबर 4। सो ये आपका ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। इजी क्वेश्चन, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेयर मास एम, लेंथ एल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है। सो टाइम एज फंक्शन ऑफ, आपको लिखना है टाइम एज फंक्शन ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फंक्शन को हटाना हो तो आपको कॉन्स्टेंट इंटू मास के पावर समथिंग, लेंथ के पावर समथिंग और टाइम के पावर एक्सेलरेशन के पावर समथिंग, तो उसको MLT फॉर्म में लिखते हुए सम कॉन्स्टेंट इंटू मास पावर ए, लेंथ पावर बी और एक्सेलरेशन का MLT फॉर्म होता है LT − 2 उसके पावर सी। तो यहाँ पर टाइम में टाइम पावर 1 है, मास पावर 0, लेंथ पावर 0, इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं एम पावर ए, एल पावर बी, LT − 2 होल पावर सी से कंपेयर करो। तो पावर्स इक्वेट करते हैं, पहले मास का, बाद में लेंथ का, बाद में टाइम का इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ एम, 0 = A, तो A की वैल्यू आपको 0 आ गई,
इक्वेटिंग पावर्स ऑफ एल, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर बी और सी है, तो बी प्लस सी मिला के जीरो होने चाहिए। थर्ड इक्वेशन, टाइम के पावर्स इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वन है, राइट हैंड साइड में हमको देखना है क्या है, तो राइट हैंड साइड में माइनस टू सी है, तो सी की वैल्यू आपको आ गई माइनस वन बाई टू, तो इसको यहाँ प्लग करेंगे तो आपको बी आ जाएगा प्लस वन बाई टू, दैट इज़ माइनस सी, बी आ जाएगा माइनस सी मतलब प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पर आपका फाइनली आपका जो वैल्यूस आ रहा है, फाइनली आपका जो वैल्यूस आ रहा है फाइनली आपके जो वैल्यूस आ रहे हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एम तो है ही नहीं, एम पावर जीरो, लेंथ पावर वन बाई टू और एक्सेलरेशन पावर माइनस वन बाई टू। सो मास तो हट गया क्वेश्चन में से, सो टाइम इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रूट एल बाई जी लिख सकते हो, जी का पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, जी का पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर थ्री में, ओके ऑप्शन नंबर थ्री में ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में बताना है आपको, ओके सो टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन से डिनोट करते हैं, कैनेटिक एनर्जीज है एनर्जी, एनर्जी हर एनर्जी का फॉर्मेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हो, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है, इंटू एल कर लो तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू हो जाएगा, तो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू ही रहेगा। आप चाहे तो कैनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यूज़ करके दे सकते हो, हाफ एम एल स्क्वेयर वी का किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वेयर का एल टी माइनस वन का स्क्वेयर, तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू जो आपको यहाँ दिख रहा है। प्रेशर का, प्रेशर आप लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वेयर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा, ओके वेरी इजी डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया से कर सकते हो आप। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना, एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एंगल कवर्ड, एंगल कवर करने का रेट, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस कवर करने का रेट, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड इज एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, टीटा बाई टी इसका यूनिट फॉर्मूला है, टीटा का यूनिट होता है रेडियंस जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और टाइम का सेकेंड्स, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी पावर माइनस वन ही हो जाएगा बिकॉज रेडियंस डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस। आई होप इट्स क्लियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट देख के आपको शायद नया टर्म लग सकता है, आई नो यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, बिकॉज जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। शायद आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ब्लू फ्लेम इज़ हॉटर देन रेड फ्लेम, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ज़्यादा होती है रेड कलर से, वेवलेंथ अपने रे ऑप्टिक्स में या लोअर शन में ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा होता है ब्लू से या वायलेट से, तो जिससे वेवलेंथ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी घटेगी, सो फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा होती है रेड की कम होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट हियर, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप यूनिट्स देख लो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वन बाई सेकेंड्स बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ पर एच का यूनिट हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, अब वन बाई फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड लिख सकते हो, है ना, तो एनर्जी इंटू टाइम पीरियड, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड सोच सकते हो, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड्स, टाइम का होता है सेकेंड्स, तो जूल इंटू सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, और इसका एम एल टी फॉर्म जूल का भी देखा था एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू इंटू सेकेंड एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू इंटू टी पावर वन, दैट इज एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन, एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। कितना ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आएगा आप सीखोगे, है ना। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करती है, तो उसके बारे में उसके डायमेंशंस को एम वी आर के टर्म में बताना है, फोर्स किस तरह से मास के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के कितने प्रोपोर्शंस में है, क्या पावर्स में है, एग्जिस्ट कर रहा है बताना है। तो फोर्स इज फंक्शन ऑफ
मास, रेडियस एंड वेलोसिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है. ओके, मास, रेडियस एंड वेलोसिटी, तो इनका रिलेशन डिराइव करना है आपको, इनका रिलेशन डिराइव करना है. तो हम इसको लिख लेते हैं एम एल टी माइनस टू फोर्स का इक्वल सम कॉन्स्टेंट इंटू एम पावर ए. रेडियस का यूनिट होता है मीटर, तो लेंथ पावर बी एम एल टी फॉर्म में. वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, तो एल टी माइनस वन होल पावर सी. अब इसके पावर्स को कंपेयर करेंगे, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. m को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो m का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a, b c में नहीं है तो a की वैल्यू आ गई 1, तो मास के पावर 1 आना चाहिए. l को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है b और c, तो b प्लस c मिला के 1 होना चाहिए, b प्लस c मिला के 1 होना चाहिए. ओके, टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है माइनस टू, तो यहाँ दिख रहा है माइनस सी, माइनस सी, तो सी की वैल्यू प्लस टू, सी की वैल्यू प्लस टू. अगर सी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, बी प्लस टू इज इक्वल टू वन, इसको यहाँ प्लग करते हो आप तो हो जाएगा वन इज इक्वल टू बी प्लस टू, तो बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस वन, मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ जाएगा, आर पावर माइनस वन. तो इसको फाइनली कैसे लिख पाओगे आप, F इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एम पावर वन आर पावर माइनस वन वी पावर टू, मतलब सम कॉन्स्टेंट इंटू एम वी स्क्वेयर बाई आर, ऐसे लिख सकते. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे. ओके, सो डेरिवेशन ये है, तो लेट्स सी विच ऑप्शन मैचेस. ऑप्शन नंबर टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, ऑप्शन नंबर टू मैच हो रहा है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, अल्फा इक्वल अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल एफ वी प्लस बी बाई बीटा बाई एक्स स्क्वायर. तो आपको ढूंढना है अल्फा और बीटा के यूनिट्स. देखो एफ इंटू वी का यूनिट पहले निकाल लेते, और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो सब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और एडिशन वाला टर्म दोनों सबके यूनिट सेम होने चाहिए. ओके, तो एफ इंटू वी का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला सोचो. एफ इंटू वी एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री हो जाएगा. तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री एफ इंटू वी, यूनिट किसका हो जाएगा, देखो ये ऐसा फॉर्मूला पावर का आता था, वर्क अपॉन टाइम का, ये उसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला है. तो फोर्स इंटू वेलोसिटी टेक्निकली पावर भी होता है. ओके, तो बीटा बाय एक्स स्क्वेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा इसके बराबर होना चाहिए, बिकॉज दो चीज़ को तभी ऐड कर सकते जब डायमेंशनली सेम हो, है ना. वी कैन नॉट ऐड लेंथ एंड वॉल्यूम, वी कैन ऐड ओनली लेंथ एंड लेंथ, राइट, इट मेक सेंस. सो बीटा बाय एक्स स्क्वेयर को इससे इक्वेट करो और अल्फा बाय टी स्क्वेयर को इससे इक्वेट करो, दो बार इक्वेट करेंगे दो आंसर्स आ जाएंगे. तो बीटा बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, इसमें से एक्स की वैल्यू बोलिए डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वेयर है वो, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बीटा की वैल्यू एम एल पावर फोर हो जाएगी, टी पावर माइनस थ्री. सिमिलरली अल्फा बाय टी स्क्वेयर, अल्फा बाय टी स्क्वेयर को इससे इक्वेट करो, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, ये टी पावर टू है वो माइनस थ्री है, तो माइनस वन बचेगा, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो. तो अल्फा की वैल्यू एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस वन, एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस वन हो जाएगी. सो दिस विल बी द आंसर्स फॉर अल्फा एंड बीटा, लेट्स सी विच ऑप्शन मैचेस. तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन सही दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम जो हमने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन. आई होप इट्स क्लियर. सो देखो आपको क्वेश्चन अगर डायमेंशन करेक्टली आती है तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर एट. राइट द डायमेंशन फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. तो अभी हमने फॉर्मूला सिखाया है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी जो अभी कराया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कराया था. तो ई बाई एफ, ई बाई एफ इज द आंसर. राइट द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, उसका डेफिनेशन होता है स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन. सो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो दिखना चाहिए. देखो तो ऐसा ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है.
strain does not have any dimensions. So option number 4 is the correct answer. Let's go to the question number 9. Ho gaya 10. Write the formula for rotational kinetic energy. अब देखो rotational kinetic energy हमको पता ही नहीं है, है ना? But अभी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, बट आपको जब चैप्टर्स आएंगे तब इसकी ज़्यादा फील आएगी. ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हाउ मच, जैसे मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी. या रोटेशन में मास का रिप्लेसमेंट आता है इनर्शिया करके टर्म आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये बताता है कि घुमाने का कष्ट, घुमाने का कष्ट बताता है. जैसे कुछ चीज़ों को घुमाने में, चलाने में फोर्स कब ज़्यादा लगेगी, जब मास ज़्यादा हो. वैसे ही कुछ चीज़ को घुमाने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो उसको घुमाना और टफ होता है. जैसे कि मैं आपको दे दूँ, 1 मीटर की स्ट्रिंग पे हमने यहाँ पर स्टोन टाई करके घुमा रहे हो, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप. ऐसे घुमाने से 1 मीटर की स्ट्रिंग है, उसकी जगह मैं 4 मीटर की स्ट्रिंग लूँ तो मेरा घुमाने में मेरे को एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मतलब मेरे को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है. तो डिस्टेंस बढ़ने से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. तो इसका फॉर्मूला अभी के लिए याद रख सकते हो, mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr². ओके, पॉइंट मासेस के लिए mr² होता है. ओके, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास का रिप्लेसमेंट ये है, और यहाँ पर स्पीड जो है वो एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड का रिप्लेसमेंट ओमेगा होता है, θ/t, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम. ओमेगा जो होता है वो एंगुलर स्पीड है, θ/t. तो इनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी जो आने वाली है वो डिफाइन किए गए, ½mv² जो होता है वो लीनियर मोशन में आता था, वैसे ही रोटेशनल मोशन में m का रिप्लेसमेंट i है, v का रिप्लेसमेंट ओमेगा है, v का रिप्लेसमेंट ओमेगा है. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½i ω² आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, kg m², मतलब ml² आ गया. इसका mlt फॉर्म क्या हो जाएगा, ml² हो जाएगा, इसका t^-1 हो जाएगा, है ना? तो ml² t^-1 का स्क्वेयर, ml² t^-2. देखो ml² t^-2 विच शोज दैट इट इज़ सेम एज जूल. जूल का यही डायमेंशनल फॉर्मूला. तो कोई भी एनर्जी हो इसका यूनिट जूल आता है, और यहाँ पर उसका डायमेंशनल मैच हो रहा है. तो ऐसा फॉर्मूला किस में दिख रहा है आपको, देखो ½i ω² इज़ द ऑप्शन नंबर 1. ये आपके ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है. सो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए. ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी डिस्कस क्लासरूम डिस्कशन 2. आई होप इट्स क्लियर. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.